हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो और बारिश का मज़ा ले रहे हो। हमारे यहाँ तो अब बारिश शुरू हो गई है, इसलिए जो भी प्लांट लगाना है मैं इसी बारिश में ही लगा लूँगी। ठीक है, तो देखिए इसके वीडियो, इस जो हाइबिस्कस की वीडियो मैंने कल डाली थी, ये कल कली थी। आज देखिए कितना सुंदर फूल खिल गया है। अभी भी बारिश शुरू हो गई है तो शायद आवाज़ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी बारिश की भी आवाज़ आ रही है। देखिए कितनी सुंदर फूल खिली है। लेकिन आज मेरा ये टॉपिक ये नहीं है, इसे ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कह रही हूँ। देखिए आज मेरा टॉपिक है जो कैनर का प्लांट है। देखिए ये कैनर है और इसको ओलेंडर भी कहते हैं और हम बंगाली में इसको बोलते हैं करोबी फूल। ठीक है, देखिए इसको मैंने नर्सरी से नहीं लाई, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हूँ। लगभग 15-20 दिन पहले मैंने इस ये जो देखिए ये शाखा जो है वो मैंने एक जगह से तोड़कर इसको लाई, लाकर इस मैंने क्या किया, इस प्लास्टिक की थैली पर गार्डनिंग सॉइल और बालू मिट्टी के साथ मैंने इसको एलोवेरा रूटिंग हार्मोन में डाल के इसको मैंने इस पर लगा दिया था। देखिए ये अब इस पर पत्तियाँ भी निकल आई और कितनी सुंदर तरीके से ग्रो हो गई और इस पर रूटिंग भी शुरू हो गई है। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो मैं इसको अभी दूसरे पॉट पर शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, इसके लिए जो मिट्टी आपको चाहिए मैंने वो मिट्टी भी तैयार कर ली है। और इसके लिए मैंने बहुत बड़ी पॉट नहीं लिया है, मैं मीडियम साइज़ की एक पॉट लिया हूँ। और इसके लिए जो मिट्टी वो गार्डनिंग सॉयल एक भाग मैंने वार्मी कंपोस्ट और 4-5 दाने पोटाशियम के और लिया है बालू मिट्टी। ठीक है, और ये एक हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और कहीं भी आप इसको लगा लो, सिर्फ धूप थोड़ा सी लगने से ही ये सुंदर तरीके से चल जाती है। और कुछ दिनों में ये बहुत सुंदर इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है थोड़ी सी देखभाल से ही। इसलिए ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है। मैं ये वेराइटीज कलर में आती है, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, पिंक कलर में, व्हाइट कलर में। ये जो मेरा प्लांट है, जहाँ से मैं जिस प्लांट से इसको तोड़कर लाई हूँ, ये पिंक कलर की थी, वो भी रोड साइड पर। ठीक है, देखिए आज मैं इसको लगाना आपको बताऊँगी। देखिए इसके लिए मैंने ये जो ये पॉट है, ये होल वाला एक पॉट मैंने लिया है। देखिए इस पॉट पर होल है, इस पॉट पर मैं एक ये जो है पॉट की जो टूटे पॉट के जो टुकड़े होते हैं, उस पॉट से मैं इस होल को ऐसे इसको ढक दूंगी। लेकिन वो जिससे भी आप इसको ढकोगे, इतना ऐसे ढकना कि इसकी जो एक्सेस पानी हो वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि इस प्लांट को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या किया, मैंने इसके होल को ऐसे बंद कर लिया। अब इस पर मैं ये जो मिट्टी मैं रेडी कर चुकी हूँ, इस मिट्टी को मैं अब इस पर डालूँगी। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, अभी आप जो भी चाहो सब लगा सकते हो। ठीक है, और फिर इस देखिए मैंने अब इसको इस पर ऐसे बिठा दिया है। अब इस पर ये जो बाकी मिट्टी थी इसको मैं ऐसे दे दूंगी, देकर थोड़ी सी ऐसे इसको दबा दूंगी तो ये एकदम से रेडी हो गई है। अब मैं इसको बाहर रख दूंगी बारिश में तो ये एकदम से सुंदर तरीके से ताज़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं जो भी प्लांट अभी लगाना है अभी मैं बारिश के मौसम में ही लगा लेती हूँ। अब आती हूँ इसकी जो केयर है इसके बारे में। अभी आप इस पर कुछ भी नहीं डालना, कोई भी खाद वगैरह नहीं डालना। लगभग 20 दिन बाद आप इस पर जो खली है उस खली की पानी को भिगोकर इस पर आप देते रहने से ही इस पर सुंदर तरीके से जो फ्लावरिंग है वो आएगी।
और 20 दिन बाद बाद आप फर्टिलाइज़र का चेंज करके आप देते रहिएगा, तो ये देखिएगा सुंदर तरीके से ग्रो होती है। और अगर आपको ये बड़ा चाहिए तो इसको आप रहने दीजिएगा, अगर आपको ये छोटे आकार में चाहिए तो आप कुछ दिन बाद इसकी जो ये जो शाखा है उसको आप इसकी कटिंग करते रहना, रहने से ये बूशी टाइप की ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं करनी, और इसकी मिट्टी आप एक साल में एक बार इसकी मिट्टी आप चेंज करने से ये अच्छी तरह ग्रो हो जाती है। और इसकी खाने का ध्यान रखिएगा, और इस पर इसको आप बाहर बारिश में रख दीजिएगा, और जहाँ धूप लगती हो वहाँ आप इसको रख दीजिएगा। इससे ही ये बहुत सुंदर तरीके से ग्रो होती है और ढेर सारे फूलों से आपकी गार्डन को खिला रखेगी, ठीक है। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरा ये नया चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।